जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी जाने लगी तो उन्होंने जल्लाद से कहा कि फंदा खींचो यानी फिनिश इट। चार अप्रैल 1979 को जुल्फकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के जनाना हिस्से में एक 7x10 फुट की काल कोठरी में रखा गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक किताब रखने के लिए शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता ताकि उसे भुट्टो के साथ उनसियत ना हो। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर नियाजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सलमान तासीर, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब भी थे और जिनका कत्ल कर दिया गया था, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं कि शुरू के दिनों में भुट्टो जब वॉशरूम जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना पीना बंद कर दिया था ताकि उन्हें वॉशरूम जाने की जरूरत ही ना पड़े। कुछ दिन के बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और उनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक वॉशरूम बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आजादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की स्वानहाय उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक सालक की विटनेस टू सरेंडर का मुतालिया कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से खसूसी तौर पर बुलाया गया था। जल्लाद तारा मसीह का ये काम जद्दी पुश्ती पेशा था। उनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त भुट्टो को फांसी देने वाले जल्लाद मसीह की तनख्वाह 375 रुपए महाना थी और हर फांसी देने पर उनको 10 रुपए इजाफी तौर पर दिए जाते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूड़ों में दर्द से बेहद परेशान थे। भुट्टो के मसूड़ों में पस पड़ चुकी थी। भुट्टो को आखिरी दम तक यही लगता था कि उनको फांसी नहीं दी जाएगी। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर नियाजी एक लालटेन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया कि तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो, तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए तुम्हें एक कैदी मिला है। बेनजीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में चिल्लाती हुई दाखिल हुई और कहने लगी, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में लिखती हैं कि मुझे इसका मतलब पता था, मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। उसका एक ही मतलब था कि जियाउल हक मेरे वालिद को कत्ल करने के लिए तैयार थे। नुसरत और बेनजीर भुट्टो को एक शेवलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद दोनों माँ बेटियों को भुट्टो के साथ मिलवाया गया। भुट्टो और माँ बेटियों के दरमियान तकरीबन जेल में 5 फुट की दूरी रखी गई थी। बेनजीर लिखती हैं कि मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए उन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया कि सिर्फ आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा कि लेकिन जेल के कानून के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन अहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मौसूल हुई है कि आपको 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। वो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठरी से उनका मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो ने मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन मुझे वापस कर दी थी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि मैंने शाम के पीने के लिए एक सिगार बचा कर रखा हुआ है। उन्होंने शालीमार कॉलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे लेकिन मेरी वालदा ने उन्हें रोक दिया, जिस पर भुट्टो ने कहा कि अभी तो इस अंगूठी को मैं पहन लेता हूं, लेकिन मेरे बाद इस अंगूठी को बेनजीर भुट्टो को दे देना। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बेनजीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने ऐसा करने की उन्हें इजाजत ना दी। बेनजीर मजीद लिखती हैं कि प्लीज, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम है और मैं उनकी बेटी हूँ, ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे उनको गले लगाने का हक है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा, मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेजी से बाहर
बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से कॉफी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो उसके लिए मुझे बराहे मेहरबानी माफ कर देना। सुप्रीम कोर्ट में उनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद भुट्टो जिस रेजर से शेव किया करते थे उसको वापस ले लिया गया था क्योंकि खदशा था कि भुट्टो इससे अपना गला या जिस्म के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाकर खुदकुशी ना कर लें। सलमान तसीर लिखते हैं कि भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। 1:30 उन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल अहलकारों ने कपड़े तब्दील करवाने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी अहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो भुट्टो ने फौरी तौर पर सख्त मुजाहमत और मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी पर ले जाया गया। सलमान तासीर मजीद लिखते हैं कि इसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर आए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। भुट्टो के पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसी ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट, यानी फंदा खींचो। 35 बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। इस जमाने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया अहलकार रहे कर्नल रफीउद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो के खतने भी हुए हैं या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखा था कि बेनजीर ने उन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनजीर अपनी किताब स्वानहाए उमरी में लिखती हैं कि उनकी मां की तरफ से दी गई नींद की गोलियों के बावजूद बेनजीर भुट्टो 2 उठ गई थी और बेनजीर भुट्टो जोर से चिल्लाई, नो नो, मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो, पापा पापा। बेनजीर भुट्टो के मुँह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद बेनजीर भुट्टो का जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर इस घर में गए जहां नुसरत और बेनजीर भुट्टो को नजरबंद किया गया था। उसे मिलते ही बेनजीर के पहले अल्फाज थे, हम वजीर आजम के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था कि भुट्टो साहब को तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनजीर लिखती है, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घोंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप उन्हें इनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। इसके बाद जेलर ने भुट्टो की एक बेनजीर को सौंपी। बेनजीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। इस शलवार कमीज से शालीमार कॉलोन की खूबसूरत खुशबू भी आ रही थी। फिर असिस्टेंट जेलर ने बेनजीर भुट्टो को एक टिफिन बॉक्स भी वापस किया जिसमें भुट्टो को पिछले 10 से लगातार खाना पहुंचाया जा रहा था लेकिन भुट्टो साहब वो खाना खाते नहीं थे। असिस्टेंट जेलर ने भुट्टो का बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, उनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा, उनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर उसने झूले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि उनकी आखिरत बहुत पुरसकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसकून हो सकती है। बेनजीर भुट्टो के खानदान के मुलाजिम बशीर की नजर जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज पर पड़ी वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया। बहुत से लोगों के माइंड में अभी तक ये सवाल आ चलते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी आखिरकार क्यों दी गई थी, उन पर मुकदमा था क्या। ये बात आज भी बहुत सारे लोगों के इल्म में दुरुस्त तौर पर नहीं है। हुआ कुछ यूं था कि 11 नवंबर को रुकन कौमी असम्बली अहमद रजा कसूरी लाहौर में अपने अहले खाना के साथ गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक गाड़ी पर फायरिंग हुई जिससे उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान जान बहक हो गए। अहमद रजा कसूरी की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग भुट्टो के कहने पर की गई है। भुट्टो ने एक बार कौमी असेंबली में मुझे धमकियां देते हुए कहा था कि अब खामोश हो जाओ, तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कसूरी ने FIR दर्ज करवाई। वो मार्शल्ला के नफाज तक चुप रहे लेकिन मार्शल्ला लगते ही उन्होंने ये मामला दोबारा उठा दिया। बिलाखिर 24 अक्टूबर 1977 को लाहौर हाईकोर्ट में ये मामला जा पहुँचा जहाँ मौलवी मुश्ताक हुसैन चीफ जस्टिस
जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट थे। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाईकोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो को इस मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद भुट्टो के वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस थे, जिनमें से 4 ने इस फैसले को बरकरार रखा, जबकि 3 ने इस फैसले की मुखालफत की, और इस तरह से 4-3 के फैसले से ये फैसला भुट्टो की फांसी की शक्ल में सामने आया। जुल्फकार अली भुट्टो कानून के मुताबिक उस वक्त के सदर जियाउल हक से रहम की अपील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपील दायर नहीं की और इनकार कर दिया, जिसके बाद 4 अप्रैल को भुट्टो को फांसी दे दी गई। अपने मेजबान यासर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए, फिर किसी अजीम लीडर की अजीम कहानी लेकर और उसकी मौत और उसकी मौत के पीछे छुपे हैरत अंगेज और माफूकुल फितरत हकायक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।